और रावणी रावण मिलेगी, जैसे आप आगे भी देख सकते हो कल जी ने फिल्मों में भी रावण बना रखे। क्या लिखा हुआ है? रावण झुकेगा नहीं। ये आइडिया बहुत बढ़िया लगा मुझे। पांच ऐसे लग जाते हैं तो गाइस देख लो, ये रावण का रोल करते हैं सुल्तानपुरी। पेंटिंग वगैरह का काम इनका भी है ना। ऑलराइट, सो गाइस व्हाट्सएप एवरीवन, इट्स योर बॉय अमन, बैक टू द न्यू वीडियो। सो गाइस फाइनली आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि मैं आ गया हूँ आपके लिए दिल्ली के टैगोर गार्डन। हाँ जी गाइस, और मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि पूरी दिल्ली में जो रावण सप्लाई होते हैं ना, वो इसी जगह से होते हैं, और यहाँ पे कितने दिन पहले रावण बनने स्टार्ट हो जाते हैं। जो भी इस वीडियो में डिटेल रावण को लेकर मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और सबसे बड़ी बात, इतने से लेके इतने तक सब रावण यहीं भी मिलते हैं, और जिनकी लगभग 1000 रुपये से रेंजिंग स्टार्टिंग होती है, तो 5 से 6 लाख रुपये तक भी रेंज होती है इस रावण की। तो मैं पूरी वीडियो में डिटेल्स आपको दिखाने वाला हूँ, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है स्टूडियो के अंदर। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। चलो तो गाइस सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पे ये रावण है जिसकी इतनी सारी मूछें है, 1, 2, 3, और ये भाई एक मंजिल करीब जितना रावण जाएगा। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, आओ। अब यहाँ पे सारे रावण बन रहे हैं, सारे बन के तैयार हो रहे हैं, और इसी की तरफ ना रोड की साइड काफ़ी सारे बन के रेडी भी हो चुके हैं। मैं दिखाता हूँ आपको, वो मैं आपको बाद में दिखाऊँगा, उससे पहले मैं आगे दिखाते हूँ। चलो आओ दिखाता हूँ मैं। तो गाइस भैया से पूछते हैं। नमस्ते भैया। भैया पहले मैं पूछना चाहता हूँ कि ये रावण कितने दिन पहले स्टार्ट होते बनने? 2 महीने पहले। 2 महीने पहले, तो लगभग आपके भी 2 महीने से स्टार्टिंग हो जाते सारे रावण वगैरह बनने के लिए। तो इनकी रेंज वगैरह कुछ? इसकी रेंज है 16,000 से स्टार्टिंग है। 16,000 से स्टार्टिंग है, तो लगभग इसी रेंज के मिलेंगे आपको, इससे कम का कोई भी नहीं है? इसके कम का कोई नहीं है, 16,000 से स्टार्टिंग है। 22,000, 25,000, 30,000 तक का है। तो लगभग ये 2 महीने बनने स्टार्ट होते हैं, उसके बाद ये कितने दिन तक रहते हैं लास्ट? दशहरे तक है। दशहरे, अब दशहरे पे चले जाएंगे सुबह, सुबह तक निकल जाते हैं। हाँ, तो लगभग ये दशहरे से पहले सारे निकल के हो जाते हैं रेडी। तो मतलब दशहरे से 2-4 दिन 5 दिन पहले भी बनने तक मतलब बनते रहते हैं, मतलब लास्ट 1-2 तारीख तक बनते हैं लास्ट? दशहरे से 1 दिन पहला बंद कर देते हैं मनाने, बस बाकी बिकने चालू हो जाते हैं, लोडिंग करवाते, फिर काम ख़त्म हो जाता है फिर दशहरे से 1 दिन पहले। तो भैया ने बताया कि गाइस रेंज के मैंने बताया आपको 16,000 से लेके स्टार्टिंग है, और वैसे तो छोटे रावण भी मिल जाते हैं, लेकिन भैया ने बताया कितने मंजिल तक के होते हैं भैया? अब ये हमारे 5 फुट से लेके 50 फुट तक का, 50 फुट तक का, 50 है, 5 है, 30 है, 20 के फुट है, 40 है, 45 है। ऑल ओवर मतलब पूरी दिल्ली में जो भी सप्लाई होते हैं यहीं से होते हैं, तितारपुर से? हाँ, तितारपुर से ही होते हैं, टैगोर गार्डन से। तो गाइस ये रावण मैंने आपको दिखाया, तो अभी ये भैया रेडी वगैरह कर रहे हैं, इसमें पेपर वगैरह लग रहे हैं, तो बाकी और भी जगह मैं आपको वो भी दिखाता हूँ अभी। तो थैंक यू भैया। ओ थैंक यू भैया। भाई इतनी तो मेरी हाइट नहीं है जितने रावण का ये उतारा ऊपर, और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रावण है। मूछें भी इसकी डबल है भाई, है ना? दिखाइयो भाई मूछें, दिखाओ इसकी, आगे से दिखा, स्ट्रॉन्ग है। और ये अभी कच्चा है, मतलब गीला है, अभी प्रिंट हुआ है ना इस रावण का। और भाई मेरे ख्याल से तो ये होगा 1 मंजिल जितना, और ये 30 फुट का रावण है। बाकी आप देख सकते हो सारे रावण ही रावण लगे हुए हैं यहाँ पे, A to Z। आगे ले, मतलब ये पूरी मार्केट रावण की है गाइस, यहाँ पे सारे आपको रावण ही रावण मिलेंगे, जैसे आप आगे भी देख सकते हो मुकुट है रावण के। देख लो क्या लिखा हुआ है, रावण झुकेगा नहीं। देख लो गाइस कितना इंटरेस्टिंग लिखा हुआ है। रावण की पेंटिंग वगैरह सारी आप ही करते हो? नहीं, काफी बंदे अलग अलग करते हैं, अलग अलग करते हैं, जैसे 8-10 पार्टी मेरे पास है, सबके अलग अलग बंदे फिक्स है बंदे। अच्छा फिक्स है बंदे। तो इनकी रेंज वगैरह लगभग कितनी स्टार्टिंग है कम से कम? 500 रुपये से पेंटिंग। अच्छा पेंटिंग 500 रुपये चालू, बाकी जैसा चेहरा बढ़ाएगा उसका रेट दाम अलग हो जाता है। अच्छा अलग अलग, किसी का 500, 700, 600 ऐसे। लास्ट कितने फीट तक के रावण होते हैं यहाँ पे? 50 फुट से ऊपर नहीं। 50 फुट से ऊपर नहीं, पूरी दिल्ली में सप्लाई होते हैं ना? ऑल इंडिया में। ऑल इंडिया में, तो गाइस ऑल इंडिया में सप्लाई होते हैं यहाँ के रावण। दिखाइए अनमोल, यहाँ पे सारे एक्टर अंकल जी बता रहे हैं, देखो वो बताएंगे आपको सारी डिटेल यहाँ की। और यहाँ पे अंकल जी है, काफ़ी पुराने अंकल जी से इंटरव्यू लेते हैं हम। नमस्ते अंकल जी। अंकल जी पूछना चाहता हूँ आपसे कि यहाँ पे कितने साल पहले से बनने रावण स्टार्ट होते हैं, मतलब महीने पहले? ये 1.5-2 महीने पहले आते हैं हम यहाँ पे। यहाँ पे 2 दिन, यहाँ पे आ गए, 2-2
महीने पहले से बंदे स्टार्ट करते रावण, और लगभग कितने फीट तक के रावण थे लास्ट? यहाँ 5 फीट से लेकर 50 फीट तक के रावण। 5 फीट से लेके 50 फीट तक के रावण होते हैं, उनकी रेंज वगैरह क्या होती है अंकल जी? 500 रुपये फीट। 500 रुपये फीट होती है। और जो आपके पीछे पड़ा भी, ये भी मेरे ख्याल से 1 फीट का है। हाँ, ये 1 फीट का नहीं, 1.5 फुट का। ये 1.5 फुट का है। चाय पी लो। तो गाइस सबसे छोटा रावण आपको दिखाता हूँ, वो रहा है बिल्कुल छोटा सा, जो 500 रुपये रेंजेस की। 500 रुपये। और वो बड़े वाले की? वो 2500 रुपये, वो 8-9 फुट का बैठेगा। तो गाइस ये देखो काफ़ी ज़्यादा बड़ा रावण है, मतलब इसके बाद सारे यहाँ पे आपको बड़े बड़े रावण मिलेंगे, 50 फुट 30 फुट मतलब ऊपर इसके बाद सारे। और अंकल जी बता रहे कि मुंबई में भी इन्होंने काम करा हुआ है, ये आपको पोस्टर मैंने दिखाया यहाँ पे, दिखा दो भाई यहाँ पे एक बारी। ऑल वर्ल्ड जाते हैं अंकल जी, ऑस्ट्रेलिया वगैरह मेरे को दिखा दे वापस भाई। जाते थे बाई एयर, ये जो छोटे पुतले ना ये वाले, ये जाते थे बाहर देश, ये फिल्मों में बना के आया था मैं। और अंकल जी ने फिल्मों में भी रावण बना रखे हैं, जो मैंने आपको पोस्टर में दिखाया ना यहाँ पे, ये सब फिल्मों में। और ये अंकल जी की जो पोस्टर है एक्टर के साथ, ये अंकल जी है, ये सारे बड़े ट्रैक्टर वगैरह के साथ इन्होंने काम करा हुआ है, फिल्मों में रावण वगैरह भी दिए इन्होंने। और अंकल जी काफ़ी ज़्यादा पुराने हैं, कितने साल हो गए अंकल जी आपको यहाँ पे? मेरे को हो गए, मेरी एज है 75, मेरे को 50 साल या 50 साल हो गए यार। अंकल जी को 50 साल हो गए यहाँ पे। रावण बनाते हैं हर साल रावण मनाते हैं यहाँ पे। और बताया मैंने आपको कि ये छोटे से बड़े रावण ऑल ओवर पूरी इंडिया में यहाँ पे सप्लाई होते हैं रावण, यहाँ पे भैया बनते हैं, और रेंज वगैरह की सबकी अलग अलग होती है। तो रेंज कम से कम 500 रुपये से स्टार्टिंग है, और हाई रेंज क्या कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा 25,000 वाला रावण कितने फीट का होगा लास्ट? ये 50 फुट का। गाइस 50 फुट का रावण होता है, जो आप देख सकते हो गाइस काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है रावण। और रेंज वगैरह भी अंकल जी से मैंने आपको सारी बता दी है, तो बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी आपका। तो मिलते हैं, हम आगे चलते हैं और दिखाता हूँ आपको रावण के बारे में। तो यार सुबह 5:30 बजे से लग जाते हैं पेपर्स वगैरह लगाने के लिए, और आरा रूट है ये, उसकी गोंद है, उससे पेपर लगाए जाते हैं। आप देख सकते हो गाइस कितनी मेहनत का काम है ये। सबसे छोटा रावण गया भाई यहाँ का, ये कितने रुपये का? 250 रुपये का। क्योंकि बचपन में मैं भी बहुत अच्छे से रावण बनाता था अपने मोहल्ले में, और मेरा नाम रखा गया था अमन रावण वाला। तो आज मुझे ये चीज़ देख के अपनी वही दिन याद आ रहे हैं, और बहुत बढ़िया बढ़िया रावण बनाता था। और देखो भाई ये भी बना रहे रावण, मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है इनको देख के। और मेरे रावण भी सेम ऐसे होते थे, ये डेकोरेशन वगैरह भी कर रहे भैया, इंटरेस्टिंग सी लिखी हुई है यूट्यूब पे आज निकाल ये रावण का रोल। देखो ये रावण का रोल करते हैं सुल्तानपुरी सी सात में। अच्छी सात में, तो गाइस देख लो ये रावण का रोल करते हैं सुल्तानपुरी सी सात में। राजा नाम है। और इन्होंने रावण की कह रहे कि इन्होंने ढांचे जितने भी रावण के ये बनाते हैं, उसके बाद डेकोरेशन ये भैया वगैरह सारे करते हैं। दिखा भैया को भी दिखा दो भाई, पेंटिंग वगैरह का काम इनका भी है ना, तो सारा पेंटिंग वगैरह काम ये भाई भी बनाते हैं पेंटिंग वगैरह। तो एक चीज़ और दिखा दो इंटरेस्टिंग, यहाँ देखो गाइस क्या लिखा हुआ है, दूध मांगोगे तो खीर देंगे, और क्या लिखा है, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। भैया किसका आइडिया था ये? आइडिया भैया का है, और भैया ये आइडिया बहुत बढ़िया लगा मुझे, ऐसे ही होना चाहिए भैया। और वो भी लिखा गया रावण की मूछों पे, वाह भाई मूछी हो तो नथु लाल जैसी। गाइस ये देखो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है भाई, मस्त एकदम। और इनकी हाइट भी देख लो गाइस, एक एक मंजिल के, अभी इनके ऊपर मुकुट भी आएगा उसको धड़ तो, मतलब काफ़ी 3 से 4 मंजिल जितने के रावण है सारे। रेट वगैरह भी अच्छे हैं, बढ़िया है एकदम गाइस। और वीडियो अच्छी लगी हो तो गाइस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल जरूर कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।